उत्तर प्रदेश के आलमबाग रेलवे कॉलोनी में एक पुराने मकान की छत ढहने से 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को मलबे से बाहर निकाला है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा वहां पर अन्य लोगों के फंसे होने की भी आशंका को देखते हुए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। आलमबाग रेलवे कॉलोनी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल पीड़ितों को राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से राहत कार्य में तेजी लाने को भी कहा गया है। दरअसल रेलवे कॉलोनी में जर्जर आवास को खाली करने का आदेश पहले ही जारी हो चुका था, इसके बाद भी लोग वहां पर रह रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन मौत को दस्तक देने वाले आवासों को खाली कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इन 5 मौतों का जिम्मेदार कौन है।